यूएई में महिला टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हो गई है और इसके पहले ही दिन पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच हुए मुकाबले में एक बड़ा बवाल हो गया। दरअसल श्रीलंका की बल्लेबाज नीलाक्षी डी सिल्वा को पहले नाशरा संधु की गेंद पर आउट दे दिया गया था। इसके तुरंत बाद अंपायर्स ने फैसला पलटते हुए इसे डेड बॉल करार दे दिया, क्योंकि गेंदबाजी करते वक्त नाशरा संधु का रुमाल गिर गया था। इससे नीलाक्षी आउट होने से बच गई। अंपायर्स के इस फैसले पर जमकर बहस भी हुई, लेकिन आपको क्या पता है कि आखिर अंपायर्स ने ऐसा फैसला क्यों किया? हम आपको यहां पूरा मामला समझा देते हैं। क्रिकेट में रुमाल को लेकर नियम के बारे में जानने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि आखिर पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच में क्या हुआ था। दरअसल पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। श्रीलंका ने जबरदस्त गेंदबाजी की और उन्हें महज 116 रन के स्कोर पर रोक दिया। इसे चेस करते हुए श्रीलंका ने 12 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 51 रन बना लिए थे। 13वें ओवर की पहली ही गेंद पर नाशरा संधु गेंदबाजी करने आई, वहीं नीलाक्षी डी सिल्वा क्रीज पर मौजूद थी। नाशरा के गेंद फेंकने के दौरान उनका रुमाल मैदान पर गिर गया। इस गेंद पर नीलाक्षी ने स्वीप लगानी चाहिए, लेकिन उन्होंने गेंद को मिस कर दिया और वो LBW पर आउट हो गई। तभी उन्होंने अंपायर से रुमाल गिरने की शिकायत भी की। इस पर थर्ड अंपायर से सलाह लेने के बाद इस गेंद को डेड बॉल करार दिया गया और वो आउट होने से बच गई। इस फैसले को लेकर खूब बहस भी हुई। कुछ फैंस का कहना है कि बल्लेबाज ने शॉट खेला, इसलिए आउट दे ही देना चाहिए था। लेकिन अगर आप यहां पर नियमों में जाएंगे तो MCC के नियमों में क्लॉज 20.4.2.6 के मुताबिक अगर स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज का ध्यान गेंद खेलने से पहले किसी आवाज या किसी मूवमेंट या फिर किसी और वजह से भंग होता है तो उसे डेड बॉल करार दे दिया जाएगा। नीलाक्षी के मामले में भी यही हुआ है। उनके शॉट खेलने से पहले ही पाकिस्तानी गेंदबाज का रुमाल गिर गया था। हालांकि इससे पाकिस्तान को कुछ खास नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान की टीम ने इस मैच को बाद में 31 रन से जीत लिया। हाल ही में काउंटी चैंपियनशिप में भी एक ऐसा ही वाकया भी देखने को मिला था, जब समरसेट और हैम्पशायर के मुकाबले में काइल एबोट की गेंद पर शोएब बशीर बोल्ड हो गए थे, लेकिन एबोट का रुमाल गिर जाने की वजह से गेंद को डेड बॉल माना गया था और वो आउट होने से बच गए थे। T20 वर्ल्ड कप की ये शानदार शुरुआत हुई है। अब टीम इंडिया के मुकाबले की भी बारी है। हर कोई इंतजार कर रहा है कि टीम इंडिया इस वर्ल्ड कप में धमाल करेगी और कमाल भी करेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।